मनीष जी ये जो जो फ्री पॉलिटिक्स है जिसके बारे में बार बार बात होती है कि इसको इतना बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और अब इस बार चुनाव में तो पंजाब मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल की भी लगातार चर्चा हो रही है तो जो दिल्ली मॉडल है जिसको अब बार बार कहा जाता है कि ये फ्री बीज वाला मॉडल है फ्री आ, सुविधाएं देने का मॉडल है क्या आप सैद्धांतिक तौर पर मानते हैं कि यही होना चाहिए राजनीति में इस तरह के वादे कि एक जो भी अट्ठारह साल के ऊपर महिलाएँ उनको दे देंगे और ये देर तक काम कर सकते हैं क्या ये फ्री मॉडल आपको कामयाबी तो दिला सकता है पहले तो ये कि कामयाबी दिलाएगा पंजाब में और दूसरा ये कि क्या कितनी दूर तक चलेगा ये देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया कि लोग जब टैक्स का पैसा दें तो उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करो हमारा ये कहना है जिसको आप फ्री भी कहते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग कहाँ हो जनता टैक्स देती किस लिए जनता टैक्स इसलिए थोड़ी देती है कि भाई हम आपको टैक्स में कुछ पैसा देंगे एक आदमी बाजार से अपने बच्चे के लिए चॉकलेट भी लेके आता है बिस्किट भी लेके आता है तो वो टैक्स दे के आता है उससे लेके वो एक पर्टिकुलर कमाई करता है तो उसमें से भी इनकम टैक्स देता है वो टैक्स देती किस लिए इसलिए कि सरकार उनके लिए कुछ काम करे उनके वेलफेयर की योजनाएं बनाए उनको फाइनेंशियल मदद करे अगर जरूरत हो यह इसलिए थोड़ी देती है कि भाई हमने आपको टैक्स का पैसा दे दिया इस पर तो आप ऐश करो और इसमें करप्शन करो और बाकी जब आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए हम आपसे अलग से पैसा दे, दे देंगे जनता डबल पेमेंट क्यों करे भाई जनता ने टैक्स दिया किस लिए इन्हीं काम के लिए तो दिया है अब वो काम तो हम करेंगे नहीं जनता के और बोलेंगे नहीं नहीं आपको जब सरकार से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए आपको कोई एजुकेशन हेल्थ या सड़क या कोई और चीज़ चाहिए तो उसके लिए तो आप पैसा खर्च करिए अलग से और टैक्स दीजिए केवल और केवल मंत्रियों और अफसरों और नेताओं के खर्चों के लिए और बेईमानी के लिए तो ये वाला मॉडल कांग्रेस और बीजेपी का है हमारा मॉडल ये है कि जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो और जनता के हित में हो भले ही उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़े भले ही उसमें सस्ती बिजली या फ्री बिजली देनी पड़े भले ही महिलाओं को उनके परिवार को चलाने के लिए उनकी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़े अच्छे स्कूल अस्पताल बनवाने पड़े रोजगार और व्यापार के लिए काम करना पड़े सब कुछ होना चाहिए उसमें मनीष जी एक और बात आपसे लोग जानना चाहते हैं बहुत सारे नेता ये जानना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर पंजाब में गए सस्टेनेबिलिटी का आम आदमी पार्टी में क्या राज है कैसे सस्टेन करता है कोई लीडर यहां पर और दूसरा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फ्रीबीज आप देते हैं उसको सस्टेन करने का तरीका क्या है उसको आप सस्टेन कैसे करेंगे दूसरी जगहों पर मनीष जी सबसे बेहतर बता सकते हैं सस्टेनेबिलिटी में तो वही सबसे आगे हैं आम आदमी पार्टी में तो ये फॉर्मूला तो आप ही बता पाएंगे मनीष जी देखिए जिसको व्यक्तिगत कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए उसके लिए तो सारे दरवाजे दुनिया भर के खुले हुए हैं जिसको पंजाब या देश या दिल्ली में या जहाँ भी जहाँ भी पार्टी है वहाँ लोगों के लिए काम करना है उसको रात को नींद तब आती है जब वो लोगों के लिए कुछ काम कर ले तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी जगह है हर वो आदमी सस्टेन करता ही है यहाँ और फिर कई बार ऐसा होता है लोगों के काम करने का एक स्टाइल है दो लोगों के काम करने का स्टाइल नहीं बने हो सकता है दो लोग अच्छे हों ठीक है भाई अपना काम कर लें लेकिन आपने जो स्कीम्स की सस्टेनेबिलिटी की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली का बजट होता था तीस हजार करोड़ रुपए और ऐसा नहीं था कि दिल्ली के लोग टैक्स नहीं देते थे लेकिन चोरी हो जाता था और दिल्ली सरकार को तो केंद्र सरकार से भी पैसा नहीं मिलता बाकी राज्य सरकारों को पच्चीस तीस हजार करोड़ रुपए हर साल मिलता है इनकम टैक्स के शेयर के रूप में दिल्ली के लोगों को इनकम टैक्स का शेयर भी नहीं मिलता है वो केंद्र सरकार रख लेती है दिल्ली के लोगों को नहीं देती है दिल्ली की सरकार को नहीं देती है तो दिल्ली के रिसोर्सेज पे ही दिल्ली सरकार चलती है उसके बावजूद पांच साल के अंदर अंदर ईमानदारी की राजनीति करते हुए एक विजन व्यापार को आगे बढ़ाते हुए तीस हजार करोड़ का बजट साठ हजार करोड़ कर दिया जबकि टैक्सेस कम किए यह हमारा एक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है अब तीस हजार करोड़ का बजट जब साठ हजार करोड़ हो जाएगा और ईमानदारी से टैक्स का, का काम होगा तो उसके बाद तो फिर पैसे की कमी नहीं बचती आज अगर पंजाब के ऊपर इतना कर्ज है ये लोग कहते हैं कि तीन लाख करोड़ या शायद पांच लाख करोड़ का कर्ज है तो वो इसलिए क्योंकि पंजाब के नेता नाकारा था ये बेईमान थे उन्होंने पंजाब के रिसोर्सेज लुटा दिए रेता एक सबसे शानदार एग्जाम्पल रिसेंट है राघव सिंधा जी हाँ। ने भी उसको एक्सपोज किया कि सेंड जैसा रिसोर्स जो पंजाब की सरकार के लिए बहुत सारी चीजों को सस्टेनेबिलिटी का रिसोर्स दे सकता था वो केवल और केवल नेताओं की जेब में चुनाव के लिए और उनके पर्सनल गेम के लिए पैसा जाने में यूज हो रहा है अम, उसको मन... पंजाब के लोगों के लिए यूज करते हैं अगर पंजाब के लिए उसमें रिसोर्सेज जा आ जाते फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत पर